हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हाँ, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऊटी के दो बहुत ही खूबसूरत गार्डन, जिसमें पहला है बोटेनिकल गार्डन और दूसरा है थ्रेड गार्डन। तमिलनाडु की एक छोटी सी हिल स्टेशन है जहाँ आपको बहुत ही शांत और खूबसूरत वातावरण मिलता है। और अगर आप एक नेचर लवर है तो आपको यहाँ के गार्डन जरूर घूमने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। यह गार्डन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आप इस बीच यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और यहाँ के एंट्री चार्जेस 100 रुपीज पर पर्सन है। यह गार्डन बहुत ही पुराना गार्डन है जिसे ब्रिटिश ने 1847 में बनवाया था। इस गार्डन में आपको 650 से ज्यादा प्रकार के फूल, पौधे और पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक अलग ही प्रकार के बोनसाई ट्रीज देखने को मिलेंगे जो कि सबसे छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर आपको टी गार्डन भी देखने को मिलेंगे। यह गार्डन इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पे बॉलीवुड की कई मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे अंदाज, अपना अपना, मैंने प्यार किया, शोला और शबनम, अजब प्रेम की गजब कहानी, ऐसी कई मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। गार्डन इतना बड़ा और खूबसूरत है, अगर आप चाहें तो अपना पूरा दिन यहीं पर स्पेंड कर सकते हैं। हमें लगभग इस गार्डन को घूमने में 3 घंटे का समय लगा। यह गार्डन 55 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। बच्चों के लिए गार्डन बहुत अच्छा है, बच्चे यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। सम्राट यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहा था, दौड़ भाग कर रहा था। यह गार्डन घूमते घूमते थोड़ा सा आगे गए थे, यहाँ पर हमने देखा छोटे छोटे पौधों से बाहर का नक्शा बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इस गार्डन का रखरखाव हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। यह गार्डन 5 हिस्सों में बटा हुआ है। इस गार्डन की सबसे अट्रैक्टिव जगह फॉसाइल टी ट्रंक है जो कि 20 मिलियन साल पुराना है। आप यहाँ पर फैमिली के साथ आइए, खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चारों तरफ हरियाली हरियाली, पौधे ही पौधे हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुंदर गार्डन है ये। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक सेंचुरी का बोर्ड लगा हुआ है। यह लॉन बहुत ही बड़ा है। इस जगह पर बॉलीवुड के कई फिल्मों के गानों की शूटिंग हुई है। इस गार्डन में एक वाटर एटीएम भी अवेलेबल है जिसमें आप पैसे डालकर पीने के लिए पानी बोतल में भर सकते। इस जगह पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने पेड़ और जो कि ऊंचाई में बहुत ज्यादा लंबे हैं, जो कि बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन सीढ़ियों से अगर ऊपर आप जाकर देखते हैं तो नीचे नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। गार्डन का बहुत ही प्यारा गार्डन है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इस गार्डन की। इस गार्डन को पूरा घूमने में हम बहुत ज्यादा थक गए, फिर हमको भूख भी लगने लगी तो हम बाहर आ गए। और यहाँ पर आके बाहर खाने पीने की बहुत सी चीजें मिल रही थी। हमने यहाँ से भेल ली, कुछ ही अलग टाइप की भेल थी, ऐसी भी हमने कभी पहले नहीं खाई थी। उसके बाद हम आ गए थ्रेड गार्डन में। यह गार्डन ऊटी लेक के पास में है और यहाँ के एंट्री चार्जेस 20 रुपये पर पर्सन है। यह एक छोटा सा गार्डन है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप जितने भी यह पौधे देख रहे हैं, ये पौधे आर्टिफिशियल हैं जो कि धागों से बनाए गए हैं। इस गार्डन को पूरा बनाने में करीब 12 साल का समय लगा है और जो कि 50 लड़कियों ने मिलकर बनाया है। और जितना भी ये गार्डन आप देख रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे बने हैं, ये सब धागों से बने हुए हैं, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। इस गार्डन को बनाने में 6000 करोड़ मीटर धागे का यूज हुआ है। इस गार्डन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह गार्डन छोटा सा और प्यारा सा है। जब भी आप ऊटी आते हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ पर आपको घूमने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप यहाँ आते जरूर आइए, आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगेगा। अभी इस गार्डन को आप वर्चुअली हमारे साथ एंजॉय कीजिए और यहाँ की खूबसूरती को देखिए। देखिए ये गार्डन कितना प्यारा बना हुआ है जो कि सिर्फ धागों से बना हुआ है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि धागों से इतना प्यारा गार्डन बन सकता है। एक एक फूल, एक एक पत्ती सब धागों से बने हुए हैं। गार्डन को घूमने के बाद लास्ट में जहाँ से आप एग्जिट करते हैं वहाँ पर काउंटर बने हैं जहाँ पर आपको इन धागों से बने हुए गिफ्ट आइटम और डेकोरेटिव आइटम मिलेंगे जो कि आप परचेस कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।